14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। तब से आज तक धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जा रहा है। आज 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर से लाखों अनुयायी दीक्षा भूमि आए हैं और कई प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। आज सैकड़ों नागरिक भी यहाँ दीक्षा लेंगे। काफी उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण आज शहर में बना हुआ है। देखिए झलकिया इस रिपोर्ट में। पवित्र दीक्षा भूमि पे हर वर्ष कार्यक्रमों में लाखों लोग आते हैं, पूरे भारत से आते हैं, विश्व से लोग आते हैं। और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति किया था, समाज क्रांति किया था। यहाँ से लोग जो है इस क्रांति भूमि पे आकर के जो है ऊर्जा लेकर जाते हैं और बड़े ही अनुशासित तरीके से यहाँ पर कोई विवाद डिस्प्यूट नहीं होता है। सभी बाबा साहब के जो फॉलोअर, भगवान बुद्ध के फॉलोअर इस दीक्षा भूमि पर आकर के जो है अपने को धन्य मानते हैं और उनका पुण्य कि इस भूमि पर आते हैं। और यहाँ पर ये माता जी हैं रूपानंदा जी, ये प्रत्येक कार्यक्रम में हमेशा जो है इस तरह से भिक्खु संघ को भोजन दान ये कराती हैं और इनकी टीम कितना से 78 से जो है ये भोजन दान का कार्यक्रम कराते हैं। लोग जो है दूर दराज से भिक्खु आते हैं, उनको भोजन दे करके ये लोग एक मोटे पुण्य का, बड़े पुण्य का काम करते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करेगा वो सच्ची मानवता की सेवा करेगा और उसका निब्बान होगा। तो इस कड़ी में हम सारे लोग लगे हुए हैं कि इस समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार जो है यहाँ से क्या बोलते हैं प्रेरणा लेकर के जा कर के अपने अपने क्षेत्रों में किया जाए। और आज भारत भर में क्या विश्व भर में अम्बेडकरवादी बुद्धिज्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आज बाबा साहब को मानने वाले भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। बाबा साहब को मानना अपनी परंपरा को मानना है और बौद्ध धम्म हमारी परंपरा का धम्म है, हमारे पूर्वजों का धम्म है, ये नागवंशियों का धम्म है, ये भारतीय धम्म है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना बड़ा काम हम लोगों को हक अधिकार देकर दिया है उससे बड़ा काम जो है हम लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर किया है। और उससे बड़ा काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम की एक धार्मिक किताब लिख करके दिया है जिससे हमको मार्गदर्शन होता है और उसको पढ़ कर हमारा कल्याण होता है। यहाँ पे आने वाले सभी उपासकों को, सभी भिक्खुगण को और देश विदेश से आने वाले सभी लोगों को मैं इस दीक्षा भूमि से करुणा और मैत्री का संदेश देता हूँ और सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्म प्रवर्तन दिनाचा, धम्म प्रवर्तन दिनाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान बुद्धाचा, भिक्षु संघाचा। कारण इसके लिए सचिन छोड़ापे की रिपोर्ट। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म शंकरपुर, बुट्टी बोरी मोहगांव, चामठा मिहान जैसे लोकेशन पर वाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712-350-7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4, above Pursi Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.